हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब स्टार चैनल। और आज हम सीखेंगे गाजर का हलवा बनाना। गाजर का हलवा बनाना घर पे बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है ये। और गाजर का हलवा बच्चों को बहुत पसंद आता है। हम बहुत सारे, हमारे बर्थडे हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो हमारे घर में, हम उस पर बनाना बहुत पसंद करते हैं ये। और घर का बना हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है और पूरे फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं आप। तो चलिए चलिए फ्रेंड्स, आज हम गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने गाजर लिया हुआ है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये करीब 1.5 किलो गाजर है, धोकर फिर छीलकर फिर मैंने इसे कद्दूकस किया है। और ये शक्कर है, करीब 150 ग्राम के करीब शक्कर है। और कप से मेजरमेंट करेंगे तो 1.5 कप शक्कर है ये। कंडेंस्ड मिल्क है 1/2 कप, 1/2 ग्लास दूध है, 1 प्याली 15-20 के करीब किशमिश है ये, 4 इलायची है और घी है, देसी घी है ये 1 प्याली। आप 4 या 5 टेबल स्पून होगा ये घी, घी की ज़रूरत कम पड़ती है इसमें। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। और चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ये कढ़ाई गरम कर ली है, मेरा गैस ऑन है और ये कढ़ाई रखी है मैंने। और इसमें अब हम ये घी डालेंगे जो हमने निकाला था। गाजर के हलवे में घी की ज़रूरत कम ही पड़ती है वैसे। और ये घी गरम हो गया है और इसके बाद हम डालेंगे ये हमारी गाजर, जो किसी भी गाजर है ये पूरी डाल देंगे हम इसमें। इसको अब हम चला देंगे अच्छे से। ये देखिए, इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाना है हमें। अभी इसे चलाते रहिए पूरे टाइम। और इसके लिए मोटी तली का ही बर्तन लीजिए आप, नॉनस्टिक पैन लेते हैं या कढ़ाई लेते हैं, हम जो भी लेते हैं थोड़ी मोटी तली की ही होनी चाहिए ताकि नीचे बिल्कुल नहीं चिपके ये। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। और अब जो मैंने 1/2 ग्लास दूध लिया हुआ है, ये दूध मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने क्रीम वाला दूध लिया है, थोड़ी क्रीम भी है इसमें, तो ये दूध डाल दिया मैंने। आप एक बार और इसे चला दीजिए आप। और अब इसको स्लो फ्लेम पर होने दीजिए थोड़ी देर। और फिर हम 5 मिनट बाद फिर इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालकर फिर पकाएंगे हम इसे। इसे अभी होने दीजिए। और बस ये इतना ध्यान रखिए कि थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिए आप, बिल्कुल ऐसे ही ना छोड़ें। तो ये हो जाए हमारा, उसके बाद हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये थोड़ा कलर बदल रहा है हलवा, गाजर थोड़ी कलर बदल रही है अब, धीरे धीरे ऑरेंज शेड पे आती है ये देखिए। लेकिन अभी हुआ नहीं है, हमें इसे और चलाते रहना है अभी। और आप चाहें तो इस पर लीड कवर कर सकते हैं, आप ही ऐसे ढक दीजिए इसे। लेकिन इसे चलाते रहना मत भूलिए, इसे चलाते रहना पड़ेगा हमें थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए, हमने इसको एक बार चेक कर लिया है। और अब जो है हम इसमें डालेंगे अपना कंडेंस्ड मिल्क, फिर एक बार चला दीजिए इसको अच्छे से। ये देखिए, ये ना मैंने कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर इसे चला दिया अच्छे से। अब 5 मिनट इसको ऐसे होने दीजिए स्लो फ्लेम पर, फ्लेम हाई नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही होने दीजिए। और ना आप लीड भी कवर नहीं करनी है, इसे ढकिए मत अब आप, ऐसे इसे स्लो पे होने दीजिए 5 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, ये इसे होने दीजिए। ये हो गया है। और अब जो है हम इसमें शक्कर डालेंगे, और इसे से चला दीजिए एक बार। ये देखिए, ये चीनी डालने के बाद एक बार ये पानी छोड़ता है, यानी कि ये शक्कर की चाशनी बनने लगी है। और थोड़ी देर में ये शक्कर पूरी गाजर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये स्लो फ्लेम पर हो रही है जब तक हम ये इलायची की प्रिपरेशन कर लें। इसे आप हल्का दरदरा कूट लीजिए। ये देखिए, मेरा इलायची पाउडर मैंने क्रश कर लिया है
और आप इसको जो है आप हलवे में डाल दीजिए। और ये जो किशमिश हमने लिए इसमें से मैं आधी किशमिश अभी डाल रही हूँ और आधी बाद में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। एक बार इसे चला दीजिए। और अब बस इसको स्लो फ्लेम पर होने दीजिए जब तक कि ये चाशनी पूरी एब्जॉर्ब हो जाए। स्लो फ्लेम पर ही रहने देना है हमें, फ्लेम हाई नहीं करनी है। ये देखिए बस थोड़ी ही देर में हमारा हलवा बस बनकर तैयार होने वाला है और बहुत प्यारी अरोमा आ रही है इसमें से, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चीनी का नाप आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, अगर आपको कम चीनी का लेना पसंद हो तो आप कम डालिए, और अगर आप थोड़ा मीठा लेना पसंद करते हैं तो थोड़ी उसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा चीनी यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। देखिए पूरी चीनी जो है ये एब्जॉर्ब हो गई है। इसमें आप और भी नट्स डाल सकते हैं जैसे बादाम, काजू, अखरोट, जो जो भी आपको डालने हो वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। बस थोड़ी देर और, 2 से 3 मिनट, बस उसके बाद हमारा हलवा रेडी है। ये देखिए हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे किसी एक बर्तन में निकाल लीजिए। तो चलिए हम इसे कुछ में निकालते हैं इसकी गार्निशिंग करने के लिए। ये देखिए मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है और अब जो है ये किशमिश डाल दीजिए आप इस पर, जो और ड्राई फ्रूट्स भी हो उसका यदि आपको डेकोरेशन करना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है हमारा गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी और यम्मी यम्मी, तो इसे आप इंजॉय करिए। और इसे हमें बनाने में करीबन 45 मिनट का टाइम लग जाता है पूरा सब टाइम मिलाकर। तो यदि आप स्लो फ्लेम पर बनाएंगे तो और ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, और अगर हाई फ्लेम पर बनाएं तो आप कंटिन्यू उसको चलाते रहिए, चिपकना नहीं चाहिए नीचे। और बहुत आसानी से बन जाता है ये, इतना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो आप इंजॉय करिए और गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई करिए।